हेलो एवरीवन इस वीडियो में लीनियर मेजरमेंट सर्वेइंग का टॉपिक है ये इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें पहला क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेबल वैन चेन सर्वेइंग कब कम काम में लेते हैं जब एरिया स्मॉल होता है बी ऑप्शन करेक्ट होगा चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेबल वैन द एरिया इज स्मॉल इफ एस इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एस मेन स्केल पर वन स्मॉलेस्ट डिवीजन है बी इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल एंड एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द बर्नियर देन लीस्ट काउंट इज गिवन बाई लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा एस अपॉन एन ठीक है लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा ए ऑप्शन एस अपॉन एन एवरी बीस मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विदिन बीस मीटर चेन एक्यूरेट होनी चाहिए प्लस माइनस फाइव एम एम एवरी बीस मीटर चेन शुड बी एक्ूरेट विद इन प्लस माइनस फाइव एम एम बी ऑप्शन करेक्ट है मेथड यूजड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड स्लोपिंग ग्राउंड पे जो चेनिंग का मेथड होता है वो होता है बोथ ए एंड बी यानी कि स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड ये दोनों काम में आते हैं जब हम स्लोपिंग ग्राउंड पर चेनिंग करते हैं हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड एंड स्टेपिंग मेथड द इरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्जाम में बैड रेंजिंग के कारण जो इरर होती है वो कम्युलेटिव पॉजिटिव होती है इरर पॉजिटिव होती है बैड रेंजिंग के कारण कम्युलेटिव पॉजिटिव बी ऑप्शन करेक्ट है अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ लिंक्स इन ए तीस मीटर मेट्रिक चेन तीस मीटर मेट्रिक चेन में जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो है डेढ़ सौ होती है एक मीटर में फाइव होती है तो तीस इन फाइव कर लो डेढ़ सौ हो जाएगी द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया सेंटर से गुजरने वाली लाइन को बोला जाता है बेस लाइन ठीक है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेंजिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ एंडली ग्राउंड इज रफ एंड हिली ग्राउंड के लिए जो परमिसिबल एरर होती है वो होती है बन अनुपात दो सौ पचास परमिशिबल लिमिट ऑफ इर इन चेनिंग फॉर मीजर दो सौ पचास पॉजिटिव इरर इज कॉज्ड इफ पॉजिटिव इरर कब होती है ऑप्शन है लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है ये ऑप्शन करेक्ट है स्लोप एंड सेग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड ये भी सही है मीजरमेंट्स आर मेड अलॉन्ग दी इनकरेक्टली अलैंड लाइन ये भी सही है तो ऑल ऑफ दैक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इरर के लिए पॉजिटिव इरर कब होती है जब चेन सॉल्टर काम में लेते हैं स्लोप और सेक करेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं और जो इनकरेक्टली अलाइन लाइन पे हम मीजरमेंट करते हैं तो बेस लाइन इज मीजर्ड विद बेस लाइन किसकी सतह से मीजर होती है चेन की सतह से बेस लाइन इज मीजर्ड विद चेन डी ऑप्शन करेक्ट है मेटलिक टैप्स आर मेड ऑफ मेटलिक टैप्स किसके बने हुए होते हैं क्लोथ एंड वायर्स के बने हुए होते हैं मेटलिक टैप्स फॉर एक्यूरेट वर्क इन कंपेरिजन टू चेन दी स्टील बैंड इज यूज बिकॉज इट इज जो स्टील बैंड है वो प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसीबल होता है उसमें एक्सटेंसन नहीं होता है वो फैलता नहीं है इसलिए हम चेन की तुलना में स्टील बैंड काम में लेते हैं एक्यूरेट वर्क के लिए अगला क्वेश्चन है इफ W इज दी चेन एल इज दी इज दी टेंशन और पुल तो सेक करेक्शन क्या होगा अच्छा क्वेश्चन है आता है हर बार ठीक है सेक करेक्शन का फॉर्मूला होगा W स्क्वायर एल अपॉन ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर ये आपको याद रखना है सेक करेक्शन का फॉर्मूला नेगेटिव होता है सेक करेक्शन W स्क्वायर L अपॉन ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर इफ थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप एल इज द लेंथ ऑफ स्लोप एच इज द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लाइन देन स्लोप करेक्शन क्या होगा तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होगा टू एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू टू एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्लोप करेक्शन के लिए टू एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अगला क्वेश्चन है चेनेज इज द डिस्टेंस मीजर चेनेज इज द डिस्टेंस मीचर अलोंग इज चेन लाइन चेन लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस मीजर होती है उसको चेनेज बोला जाता है ओपन क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्जाम में जो ओपन क्रॉस स्टाफ है इज यूज फॉर सेटिंग आउट लॉन्ग ऑफसेट जो ओपन क्रॉस स्टाफ है वो लॉन्ग ऑफसेट्स के लिए काम में लिया जाता है ओपन क्रॉप स्टाफ क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट लॉन्ग ऑफसेट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड

फ्रेंच क्रॉस स्टैप की सतह से बना सकते हैं 45 डिग्री का एंगल फ्रेंच क्रॉस स्टैप की सतह से हम बना सकते हैं लेंथ ऑफ पैग इंटरवेल फॉर फ्लैट कर्व्स फ्लैट कर्व्स के लिए पैग इंटरवेल की लेंथ कितनी होती है थर्टी मीटर लेंथ ऑफ पैग इंटरवेल फॉर फ्लैट कर्व्स इज थर्टी मीटर डी ऑप्शन करेक्ट है